जो स्पोर्ट्स कार है वो छोटी है, पावर बहुत है पर वेट नहीं है। लेट्स सी भाई, जैसे इसको स्पीड बूस्टर मिला हवा में उड़ गई थी। देखना चाहेंगे एसयूवी के साथ ऐसा होता ही नहीं होगा भाई, ये बिल्कुल जा रही है स्ट्रेट लाइन की स्पीड। और ये भी थोड़ी सी लड़ाई स्पीड हो जाए, जब स्पीड इंक्रीज हो रही है ये भी लड़ाई होगी। क्योंकि पोर्शे साइज छोटा है, स्पोर्ट्स कार भी कंसिडर कर सकते हैं, एसयूवी कंसिडर कर सकते हैं, मैं एसयूवी में कंसिडर कर रहा हूँ। लेट्स सी साइज कैसा निकल के आता है, लेट्स गो। और भाई इस पॉइंट पे सरदारी गाड़ियाँ उछल रही थी, ये थोड़ी सी स्टेबल थी, और ये स्पीड वाले रैंप पर बिल्कुल भी लड़खड़ाई नहीं। और भाई बिल्कुल सीधे रॉकेट की तरह ऊपर गई है। और भाई ये अब तक सबसे दूर जा रही है गाड़ी है, लेकिन ये काफ़ी दूर तक तो है। लेट्स गो भाई, ये बिल्कुल भी नहीं उछली। और भाई स्पीड वाले रैंप पर भी ये बिल्कुल भी लड़खड़ाई नहीं, बहुत स्टेबल कार है। और भाई बिल्कुल रॉकेट की तरह सीधी, भाई रैंप पर थोड़ी सी लड़खड़ाई, बहुत ज़्यादा नहीं। और भाई बिल्कुल सीधी लैंडिंग, रैम हमारा बिल्कुल सीधा है, तो लैंडिंग सबकी सीधी हुई है, लैंडिंग सॉरी टेक ऑफ सबका बिल्कुल सीधा हुआ है, रॉकेट जैसा। लैंडिंग का हम लोग थोड़ा सा खेल सकते हैं, हमारे हाथ में होती है, वी कैन मेक इट स्टेबल या फिर हम बिल्कुल उठा उठा सकते हैं भाई अभी। और भाई इसका भाई ये तो पूरा ही जंप खा दिया मैंने। और भाई इसके तो अंदर पंजे रिंग पे खुल गए। और भाई ये तो रैम पूरा स्टार्ट भी नहीं कर पाई से। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और भाई आज का जो चैलेंज होने वाला है ना, वो होने वाला है सुपर जंप चैलेंज। तो भाई ये मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया है, ऊपर है हमारा रैंप, नीचे है स्पीड बूस्टर, और सामने की तरफ है भाई एक अल्ट्रा टॉप नॉच रैंप। मैं आपको पूरा रैंप एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको जाना है नीचे, नीचे से स्पीड, और स्पीड के सामने से आपको ऊपर जाना है। अगर आप चाहते हो मैं थोड़ा सा और रैंप को इन्हेंस करके दिखा देता हूँ आपको। स्पोनर मोड में हम लोग आ गए हैं, और भाई ये देखिए रैंप, यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है ऊपर से, नीचे स्पीड मिलेगी, और स्पीड के बाद यहाँ से हमें जंप करना है, जो कि बहुत ही शानदार जानदार बहुत ही ऊंचा जंप होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला वीडियो में। वीडियो पूरी देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कर देना लाइक। कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, हम इम्प्रूव करेंगे। भाई अब स्टार्ट करते हैं अपना थ्रिल। पहले हमारे पास है दो लाइक स्पोर्ट्स कार, उसके बाद है SUVs। बिकॉज हम कंपैरिजन देखने वाले हैं कि स्पोर्ट्स कार ज़्यादा दूर जाएगी या SUVs, बिकॉज दोनों ही कार बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट से हैं। SUV में पावर बहुत है, वेट बहुत है, पावर है तो वेट भी है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। वैसे ही जो स्पोर्ट्स कार हैं वो छोटी हैं, पावर बहुत है पर वेट नहीं है। सो लेट्स सी भाई, जैसे ही इसको स्पीड बूस्टर मिला ये हवा में उड़ गई थी। देखना चाहेंगे कि SUV के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। भाई ये बिल्कुल जा रही है स्ट्रेट, लेकिन इसकी जो स्पीड है ना वो काम करना बंद कर चुके हैं, बिकॉज ये हवा में है और इसकी कोई भी पावर इसको लाइक वर्क नहीं कर रही है। बट फिर भी 50-60 की स्पीड अच्छी इसकी जा रही थी। और भाई ये है हमारा पहला स्टॉप, जहाँ पर हमारी गाड़ी गिरी है और अपने आप सीधी भी हो गई है। भाई पहली स्पोर्ट्स कार जो है वो बहुत ही दूर जाकर गिरी है। और भाई मैं आपको दिखाऊँ रैंप कहाँ है हमारा, हमारा रैंप है वहाँ पर कुछ किलोमीटर्स दूर। तो भाई कुछ किलोमीटर दूर होने के बाद हमारी गाड़ी बहुत दूर तक आ गई है, और अब हम जाने वाले हैं भाई अपनी सेकेंड कार के साथ, और देखते हैं क्या सेकंड कार फर्स्ट कार को बीट कर पाएगी। भाई ये है एक और उमदा स्पोर्ट्स कार, जैसे मैं बैठा हूँ स्पीडोमीटर ऑन हो गया इसका, और यहाँ से थोड़ा सा स्लो कर लिया था ना, पिछली वाली कार थोड़ी सी उछल गई थी, इसको लेकर जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट। और भाई ये भी उछल गई है, वो ज़्यादा ही नीचे है वो। और भाई ये भी थोड़ी सी लड़खड़ाई, स्पीडोमीटर जहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ हो रही है वहाँ पर ये भी लड़खड़ाई है थोड़ी सी। भाई स्पीड इसकी भी ठीक ठीक जा रही थी। आप देखोगे जब स्पीडोमीटर इंक्रीज़ होता है ना, यहाँ पे स्पीड वाला रैंप इंक्रीज़ होता है, वहाँ पे सबकी गाड़ियों की स्पीड बिल्कुल टॉप स्पीड पकड़ लेती है। और भाई ये पिछली गाड़ी से काफ़ी आगे जाके गिरी है, क्यों? क्योंकि ये स्पीड वाले रैंप पे लड़खड़ाई नहीं थी, पिछली कार हमारी आगे की तरफ है और ये कार हमारी पीछे लाइक काफ़ी दूर तक आई है। अब भाई हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना SUV सेगमेंट। और भाई ये कुछ ज़्यादा ही लंबा जंप हो गया यार, वो स्केट्स तो एनी वेरी स्लाइड कैसे कर रहा था। हम लोग आ गए हैं अपने SUV सेगमेंट पर, और भाई आप सबसे पहले हम लोग पोर्शा गाड़ी लेकर जा रहे हैं, वाइट कलर की पोर्शे। साइज़ छोटा ही है, इसको स्पोर्ट्स कार भी कंसिडर कर सकते हैं, SUV भी कंसिडर कर सकते हैं, बट मैं SUV में कंसिडर कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा निकल के आता है, लेट्स गो। और भाई इस पॉइंट पे सरसारी गाड़ियाँ उछल रही थी, ये थोड़ी सी स्टेबल थी, और ये स्पीड वाले रैंप पर बिल्कुल भी लड़खड़ाई नहीं। और भाई बिल्कुल सीधे रॉकेट की तरह ऊपर गई है। और भाई ये अब तक सबसे दूर जा रही गिरने वाली गाड़ी है, लेकिन ये काफ़ी दूर तक तो वैसे ही आ गई, थोड़ा सा पीछे वापस लेके जाते हैं बनास। ये कौन सी हमारे भाई, और ये तो हमारी यही नहीं, फिर यहाँ कर क्या रही है, कोई अबैंडेंट कार छोड़ के चला गया, बट बिल्कुल ब्रांड न्यू। भाई यही था हमारा पॉइंट यहाँ पर हम कूदे थे। भाई अब है मेन SUV सेगमेंट, जो कि भारी भरकम गाड़ियाँ हैं। ये टाटा हैरियर जैसी लग रही है, बट हैरियर है नहीं, है एक SUV कार ही। लेट्स गो भाई, ये बिल्कुल भी नहीं उछली। और भाई स्पीड वाले रैंप पर भी ये बिल्कुल भी लड़खड़ाई नहीं, बहुत स्टेबल कार है। और भाई बिल्कुल रॉकेट की तरह सीधी।
रॉकेट की तरह सीधी जाने के बाद भी भाई बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, बिल्कुल सीधी जा रही है। इसको थोड़ा सा पलटा देते ताकि थोड़ी सी तोड़फोड़ तो हो, क्योंकि ऐसे सीधी गाड़ी गिरना अच्छा नहीं होता। और सीधी गाड़ी गिरने के बाद भी बाउंस जो था ना वो बड़ा सही था और कांच टूट गए चारों तरफ के। लेकिन ये सबसे दूर जाने वाली कार नहीं बन पाई हमारी। सबसे दूर जाने वाली कार अभी भी वाइट कलर की पोर्शे है जो कि पीछे की तरफ थी। अब नेक्स्ट एसयूवी स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट एसयूवी में क्या दम है। भाई ये बहुत ही बड़ी कार है, रेंज रोवर या लैंड रोवर जैसी, और भाई बहुत ज़्यादा वेटेड भी होगी। इसका देखते हैं वेट लाइक कहाँ तक जाती है इसकी। भाई रैंप पर थोड़ी सी लड़खड़ाई, बहुत ज़्यादा नहीं, और भाई बिल्कुल सीधी लैंडिंग। भाई रैंप हमारा जो बिल्कुल सीधा है तो लैंडिंग सबकी सीधी हो रही है, लैंडिंग सॉरी टेक ऑफ सबका बिल्कुल सीधा हो रहा है रॉकेट जैसा। लैंडिंग पे हम लोग थोड़ा सा खेल सकते हैं, बिकॉज ये हमारे हाथ में होती है, वी कैन मेक इट स्टेबल, या फिर हम इसको बिल्कुल उल्टा पुलटा सकते हैं। भाई अभी भी ये गाड़ी भी सबसे दूर जाने वाली कार नहीं है, सबसे दूर जाने वाली कार अभी भी हमारी पोर्शे ही है। ये है हमारी नेक्स्ट कार जो कि भाई लग तो टाटा सुमो जैसी रही है, लेकिन ये भी एक अच्छी खासी एसयूवी कार है जो कि एक्सल साइज में आती है। और भाई इसका भाई ये तो पूरा ही जंप खड़ा दिया मैंने, और ओहो भाई इसके तो अंजर पंजर यहीं पे खुल गए। और भाई ये तो रैंप पूरा स्टार्ट भी नहीं कर पाई ठीक से, लेकिन इसमें गलती हमारी है कि हमने स्टार्टिंग में इसको अनस्टेबल कर दिया था और उसके बाद भी हम इसको रफ तरीके से चला रहे थे। फ्रैंकलिन को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो भाई ये वैसे ही भाग कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं दूसरा टेक लूँगा ही नहीं, यहीं से चलो, ज़्यादा दूर गए नहीं तो फिर भागने में दिक्कत कैसी। भाई चार गाड़ियाँ बच गई हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मीन्स आपने 7:40 तक वीडियो देख लिया है और आप पसंद भी आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो भाई ये बिल्कुल नाक की सिदाई में बिल्कुल स्ट्रेट जंप है, अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँ तो कितनी दूर तक जा सकती है ये, चाहे ये होगी सबसे ज़्यादा ऊंची कार जो सबसे ज़्यादा दूर तक जा रही है, या फिर अभी भी पोर्शे नंबर वन पर ही रहेगी। और भाई नहीं, पोर्शे नहीं पर काफ़ी दूर तक तो ये गई थी। भाई इसके भी माथे पर चोट लग चुकी है इतनी सारे रैंप कूदने के बाद। तीन गाड़ियाँ बच गई हैं, ये भी रेंज रोवर जैसी लग रही है, बट बहुत ही तगड़ी कार लग रही है देखने में, पावर बहुत लग रही है इसमें। भाई चलते हैं इसमें, ये कैमरे के दूसरे एंगल के साथ हमने स्टार्ट किया। और भाई अब यहाँ से थोड़ा स्लो, बिल्कुल स्टेबल तो नहीं थी, थोड़ी सी ऊपर उड़ गई थी। और भाई इसी स्टेबिलिटी के साथ हम जा रहे हैं फुल स्पीड में, 250 की स्पीड है, स्टार्टिंग में ही पहुँच जाता है। सारी की सारी गाड़ियाँ कोई भी स्पीड उससे ऊपर जाती नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड यही हमने सेट की हुई है स्पीडोमीटर की। और इस बार हमने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया है, देखते हैं इस गाड़ी की कंडीशन क्या होने वाली है, और मज़ा तो आने वाला है। और भाई ये उल्टी फुल्टी हो गई, सारे कांच टूट गए, इसके माथे में चोट भी लगी हुई है, और भाई गाड़ी का जो कंडीशन है बहुत बेकार है। लास्ट की दो गाड़ियाँ बची हैं। भाई आपको क्या लगता है इन दोनों में से कोई भी गाड़ी पोर्शे को हरा पाएगी? अगर हाँ तो कमेंट करके बता देना, अगर नहीं तो भाई पोर्शे तो विनर है ही। लेट्स सी, भाई ये थोड़ी सी अनस्टेबल हुई पर जा रही है, स्पीड रैंप पे बिल्कुल स्टेबल थी, और भाई बिल्कुल स्ट्रेट इसका टेक ऑफ हुआ है ग्रेविटी के साथ खेलते हुए। लेकिन अब पोर्शे के आसपास भी कोई गाड़ी नहीं पहुंच रही है, और भाई ये उल्टी तरफ से गिरी और दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, उसको सीधा कर देते हैं, फिर देखते हैं इसका कंडीशन क्या है। आगे से टूटी हुई है, कांच टूटा हुआ है, एक गेट ही गायब है भाई इसका, और सारे कांच टूटे हुए हैं। लास्ट कार बच गई है, इसके साथ हम इस वीडियो को कर देंगे एंड। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पता है कि भाई इससे भी ऊंचा रैंप अगर हम बनाएं तो कैसा रहेगा, और वो रैंप जाना कहाँ तक चाहिए, तो कमेंट करके बता देना। फिलहाल ये हमारी लास्ट कार टॉप स्पीड ने अचीव कर ली है, और भाई बिल्कुल नाक की सदाई में इसको भी लेकर जा रहे हैं। लेट्स सी क्या ये पोर्शे को हरा पाएगी, क्या पोर्शे होती है हमारी विनर। भाई मुझे तो नहीं लगता ये पोर्शे को हरा पाएगी, बिकॉज ये काफ़ी पीछे ही है, और भाई पोर्शे हो रही पहाड़ी के ऊपर, और भाई ये भी किसी गाड़ी के ऊपर गिरी है। स्लाइड करते करते भले ये पोर्शे के आगे चली गई हो, लेकिन गिरी है बहुत नीचे। हाँ तो पोर्शे के आगे आ गई है स्लाइड करते करते, लेकिन गिरी नीचे ही थी। तो पोर्शे बनती है हमारी विनर, और इस वीडियो को करते यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो मैं बार बार बोल चुका हूँ, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को देना लाइक, और भाई अपने घर वालों का रखो ध्यान। आप सबको राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।